हेलो दोस्तों, डेली न्यूज़ की ट्रेवल सीरीज में आज हम आपको उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के बारे में बताएंगे। कुशीनगर यूपी के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ शहर है। भारत समेत पूरे विश्व से यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक 6वीं शताब्दी में भगवान बुद्ध का यहाँ आगमन हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण को हिरण्यवती नदी के पास प्राप्त किया था। उस समय इस स्थान को कुशवटी के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा महाकाव्य रामायण में उल्लेख मिलता है कि त्रेता युग में भी यह स्थान आबाद था। कुशीनगर भगवान राम के पुत्र कुश की राजधानी थी। वैसे तो कुशीनगर का इतिहास काफी पुराना है और अपने पुराने इतिहास के कारण यह अलग ही महत्व रखता है। कुशीनगर बौद्ध श्रद्धालुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ बुद्ध से संबंधित 3 स्मारक हैं, जिसमें निर्वाण मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, यहाँ स्तूप और मठ भी हैं। अगर आप कुशीनगर को देखना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि नवंबर से लेकर मार्च तक यहां आने का सबसे अच्छा मौसम माना जाता है। यह शहर बुद्ध धर्म की जड़ों के वजह से विश्व भर में फेमस है। इस शहर के कई स्तूप और स्मारक बिहार में स्थित हैं, जो कि 3री और 5वीं शताब्दी में बनवाए गए थे। इनमें से बहुत सी ऐसी स्मारकें हैं जिनको सम्राट अशोक ने बनवाया था। यहाँ पार्क और शानदार प्राकृतिक दृश्य वाले बगीचे और कृत्रिम जल निकाय बने हुए हैं, जिसे देखकर आपका बार बार यहाँ आने का मन करेगा। इस शहर में खुदाई करके अवशेषों को निकाला गया था, जिसे कुशीनगर के संग्रहालय में रखा गया है। धन्यवाद।